ताजा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS Now। नमस्कार, NS Now देख रहे हैं आप। और दिन भर की उथल पुथल के बाद आखिरकार आज यानी 18 अक्टूबर को शिक्षा मित्रों के धरने का निष्कर्ष सामने आ गया है। लगभग 3 राउंड की बातचीत चली सरकार और शिक्षा मित्रों के मध्य और उसके बाद अब ये रिजल्ट सामने आ गया है। आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं, जब उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारी मिलने गए थे शिक्षा निदेशक से, और उस वक्त ध्रुव कुमार त्रिपाठी भी देखिए वहाँ पर उपस्थित हैं। और इस बैठक के बाद ही जो निष्कर्ष है वो सामने आया है, जिसके बाद एक कमेटी गठित की गई है। इस पत्र को आपको पहले बताते हैं, फिर उसके बाद आपको बताएंगे आखिर इस पूरे पत्र का सार क्या है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, प्रेषक शिक्षा निदेशक बेसिक है उत्तर प्रदेश से निषादगंज लखनऊ, सेवा में शिव कुमार शुक्ला प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ संबद्ध राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर लिखा हुआ है, विषय उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के मांग पत्र दिनांक 18/10/2023 के संदर्भ में, यानी जिस मांग पत्र को लेकर आज ये धरना हो रहा था उसी मांग पत्र के संदर्भ में शिक्षा निदेशक ने इस पत्र में क्या लिखा है। आगे लिखा है उन्होंने, महोदय कृपया उपयुक्त विषयक प्रकरण में श्रीमान प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को संबोधित आपके व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित पत्र संख्या यहां पर दी हुई है दिनांक 18/10/23 का अवलोकन करने का कष्ट करें। और इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, यानी शिक्षा निदेशक को ऊपर से यह कहने का निर्देश हुआ है कि शीघ्र शासन स्तर से समिति गठित होगी और उसके बाद विचार विमर्श करने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यानी जल्द ही शासन स्तर से एक कमेटी गठित की जाएगी, उस पर कमेटी विचार विमर्श करेगी इस मुद्दे पर, उसके बाद नियमों के अनुसार शिक्षा मित्रों के इस मुद्दे पर उनकी मांग पर जो मांग पत्र सौंपा गया है उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लिखा आता है, आपसे अनुरोध है कि उपयुक्त स्थिति से अवगत होते हुए कृपया उक्त धरना प्रदर्शन को समाप्त करने का कष्ट करें। तो देखिए, लास्ट में जो इस पूरे पत्र का जो सार है वो ये है कि सरकार के द्वारा ये जो कमेटी गठित की गई है और इसमें कमेटी में जो मेंबर होंगे अभी उसको भी ऐड किया जाएगा, इसके साथ ही वो मेंबर अपना विचार विमर्श रखेंगे इस शिक्षा मित्र संघ के मांग पत्र पर, उसके बाद कहीं जाकर निर्णय हो पाएगा, उसके बाद ही निष्कर्ष शिक्षा मित्रों के सामने आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, भौदीय डॉक्टर महेंद्र देव शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ, यानी कि इस पत्र को जब शासन पर ये पत्र गया और उसके बाद शिक्षा निदेशक को ये कहने का निर्देश प्राप्त हुआ कि आप इस धरने को हटवाइए और शिक्षा मित्रों से आप ये कहिए कि एक समिति जल्द ही गठित की जाएगी और इस समिति के द्वारा ही नियमों के अनुसार विचार विमर्श करने के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। तो ये इस पूरे पत्र का सार है और इस आज संपन्न हुए पूरे धरने का यही सार है, यही एक निष्कर्ष है जो आज सामने निकल कर आया है। अब इसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ इस धरने को वापस ले लेता है या फिर इस धरने को अनवरत जारी रखता है। तो ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी बहुत सारी अपडेट्स आनी बाकी हैं, लेकिन ये पत्र जारी हो गया है, यानी कि शिव कुमार शुक्ला को ये पत्र मिल चुका है और उन्हें सरकार की तरफ से जवाब भी मिल चुका है कि कैसे सरकार कमेटी गठित करना चाहती है पहले की तरह, और उस कमेटी के विचार विमर्श के उपरांत ही अपना निर्णय देना चाहती है। तो इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के इस धरने का ये निष्कर्ष आपको आपको कैसा लगा, आप इस पर भी अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही नसनाओं पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट ताज़ातरीन सबसे पहले खबरें अपने मोबाइल फ़ोन पर पाने के लिए। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।